gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Oh, honey, I'm a perfect 10. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel India Tyre Company Ranchi. Hope you all are doing good. आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये वीडियो समझ लीजिए आप, मान सकते हैं कंटिन्यूएशन ही है प्रीवियस वीडियो की। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट राइडिंग पैंट्स, तो उस पर डीएसजी के राइडिंग पैंट्स कवर किए थे। आज प्रॉपर्ली कवर करने वाले हैं एक और ब्रांड को, जी हाँ, जो मार्केट लीडर है राइडिंग गेयर्स का। मैं बात कर रहा हूँ राइनॉक्स की। राइनॉक्स सभी जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ब्रांड्स है इंडियन मार्केट का। एंड इसे मार्केट लीडर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी, इन लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही R&D बहुत लगी रहती है इनके, एंड काफ़ी टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स रहते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, फीचर रिच रहते हैं। तो ऑल इन ऑल इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो इनकी अगर मैं राइडिंग पैंट्स की बात करूँ तो मेरे को नहीं लगता है कि और कोई भी ब्रांड में इतने सारे मॉडल्स या इतनी सारी वैरायटीज़ आती हैं राइडिंग पैंट्स की। जी हाँ, इनके पास अराउंड 5 डिफरेंट मॉडल्स है राइडिंग पैंट्स की। मेरे को नहीं लगता है और कोई भी ब्रांड इतने सारे वैरायटीज़ लॉन्च कर रहा है। तो इनके पास जो स्टार्टिंग राइडिंग पैंट है वो है इनका राइनॉक्स एटेक्स सीरीज़, जो कि अभी मेरे पास है। अब एटेक्स सीरीज़ इनका बिगनिंग रेंज हो गया, जिसकी प्राइस पहले 6550 थी, अभी प्राइस इंक्रीज़ होके अब 7350 हो गई है। एंड अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये 600D पॉलिएस्टर मटेरियल में हो जाता है, जिस पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में मेश पैनल अच्छा मिल जाता है, एंड नीचे के साइड पे भी यहाँ एंड पीछे के साइड ऑल इन ऑल ये मेश पैनल इसमें काफ़ी आपको मिल जाते हैं। बैक साइड पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मेश पैनल है। तो ये आपको बेसिकली सिटी राइडिंग एंड समर राइड्स के लिए काफ़ी अच्छा पैंट्स है। इस पर अगर मैं आर्मर्स की बात करूं तो आपको हिप प्रोटेक्टर एंड नी प्रोटेक्टर दोनों हैं, एंड दोनों लेवल 2 हैं। सेफटेक के आर्मर्स इसमें लगे हुए हैं। बाकी इसमें आपको रेन लाइनर एंड थर्मल लाइनर इंक्लूडेड है इस पैकेज के अंदर। तो मैक्सिमम ब्रांड्स अब क्या है, शिफ्ट कर रहे हैं, राइनॉक्स भी शिफ्ट कर रहा है, एंड आपको रेन लाइनर जनरली रिमूव करते जा रहा है, बट इनके ये मॉडल में आपको अभी रेन लाइनर इंक्लूडेड है इस प्राइस में। फिटिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एडजस्टमेंट्स के लिए स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, वेलक्रो स्ट्रैप्स है। यहाँ पे आपको जिपर मिल जाएगा, यहाँ पे एक आपको पॉकेट मिल जाएगा, एंड ये रिफ्लेक्टिव पैंट है आपको, यहाँ पर भी आपको राइनॉक्स की रिफ्लेक्टिव बैजिंग मिल जाएगी। अब राइनॉक्स का एक और खासियत है जो मैं अभी आपको आगे भी दूसरे पैंट्स में भी दिखाऊंगा। इसके जो नी गार्ड्स हैं वो रिमूवेबल रहते हैं, एंड उस पर वेलक्रो रहता है, वो आप अलग से अटैच कर सकते हैं। मैं अभी आपको वीडियो में कंटिन्यूएशन में दिखा दूंगा। तो ये एक इनका काफ़ी अच्छा बिगनिंग रेंज में लेवल 2 आर्मर्स के साथ पैंट हो गया। यहाँ पर आपको जिपर मिल जाती है YKK की, जो कि आपको जैकेट के साथ अटैच हो सकती है, एंड सिटी राइडिंग के लिए जैसे मैंने बताया लेवल 2 आर्मर्स के साथ हिप प्रोटेक्टर नी गार्ड दोनों मिल जाएगा, नी प्रोटेक्शन और लेवल 2 विथ रेन लाइनर विथ थर्मल लाइनर, इनकी बिगनिंग रेंज। नेक्स्ट जो पैंट राइनॉक्स की है वो है आपको स्टॉर्म ईवो सीरीज़। अब इस पर क्या है कि आपको 4-5 अलग कलर ऑप्शन आते हैं, ग्रे में हो गया, इसका एक नॉकटेक सीरीज़ भी हो गया, ब्राउन में हो गया, एंड इसके 2022 मॉडल एंड 23 मॉडल दोनों अभी आ रहे हैं। थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं 23 मॉडल में, तो ये मैंने 23 मॉडल पकड़ा हुआ है। इसकी प्राइस रेंज अब हो गई है 7950, एंड इस पर अगर मैं बोलूँ तो आपको लेवल 2 आर्मर्स मिल जाते हैं, नी एंड शिन के जो रहते हैं, इसका आर्मर थोड़ा लंबा रहता है, शिन तक एक्सटेंड होता है, प्लस हिप प्रोटेक्टर भी इस पर आपको मिल जाता है। दोनों लेवल 2 है, एंड दोनों नॉक्स के आर्मर्स इसमें लगे हुए हैं। तो जी हाँ, जैसे पहले में सेफटेक के आर्मर्स थे, इस पर आपको नॉक्स के प्रोटेक्टर्स मिल जाएंगे, जो कि प्रोटेक्शन वाइज और थोड़े प्रीमियम आ जाते हैं। एंड नॉक्स आपको पता ही है कि कंपनी बेस्ट आर्मर्स रहते हैं उसके, तो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकी अगर मैं मटेरियल की बात करूँ, इसमें भी 600D फैब्रिक है, एंड इस पर भी आपको मेश मटेरियल यहाँ पे भी दिया हुआ है, एंड नीचे पे साइड पे आप देख सकते हैं काफ़ी मेश का यूज़ किया हुआ है। एंड राइनॉक्स की यहाँ पे ब्रांडिंग है, मेश इसलिए रहता है क्योंकि समर राइड्स एंड ये सब पे टूरिंग में आपको काफ़ी काम आता है। यहाँ पे भी आपको पॉकेट मिल जाएंगे, एंड एडजस्टेबल यहाँ पे स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। अब एक चीज़ इन्होंने ऐड की है। जैसे पहले क्या था कि सिर्फ ये ज़िपर आता था जो कि सिर्फ राइनॉक्स या जिनके छोटे ज़िपर्स रहते थे उससे कनेक्ट होता था, तो काफ़ी लोग को ये प्रॉब्लम आती थी कि जितने प्रीमियम अगर मैं जाता हूँ कोई कोई ब्रांड्स में बड़े ज़िपर्स रहते थे, जैसे इस पर आप देख सकते हैं, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते थे जैकेट्स। तो अब इन्होंने दोनों ज़िपर्स दे दिए हैं, जिसके पास जैसा जैकेट है वो इससे कनेक्ट करके इसे एज अ वन सूट बना सकता है। यहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी एडजस्टेबल स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली इसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। अब नॉक्स के आर्मर्स मिल रहे हैं, तो नॉक्स के आर्मर्स आपको पता ही है सबसे बेस्ट रहते हैं, एंड उस पर 5 ईयर्स की वारंटी रहती है। जैकेट पे 6 मंथ्स की वारंटी रहती है, बट आर्मर्स की नॉक्स की अलग से वारंटी रहती है फॉर 5 ईयर्स। एंड कोई भी राइनॉक्स का पैंट लेंगे, भले वो 7300 वाला हो, चाहे आप टॉप ऑफ द लाइन लें, सब पे आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 50,000 जो मैं बोलता हूँ हर राइनॉक्स के परचेज़ पे आपको वो मिल जाएगा। तो ये आपको इनका पैंट काफ़ी अच्छा हो गया, वो उससे ऊपर वाली सीरीज़ में हो गया। एंड इस पर आपको क्या है कि थर्मल लाइनर इंक्लूडेड है, रेन लाइनर इसमें अब नहीं आता है, पहले आ रहा था, अब इन्होंने रिमूव कर दिया है, तो ये आपको सिर्फ थर्मल के साथ आएगा। रेन लाइनर राइनॉक्स की अलग से आती है 1200 की, आप उसे परचेज़ कर सकते हैं सेपरेटली। अब नेक्स्ट सीरीज़ जो अपने पास है ये है राइनॉक्स के एडवेंटो सीरीज़। ये भी इनका काफ़ी हिट मॉडल है, एंड ये समझ लीजिए एक मिड लाइन प्लेस्ड मॉडल है। 8350 की रेंज में अब इसकी प्राइसिंग हो गई है, पहले इसकी प्राइसिंग कम थी, अब थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है, बट इस पर और थोड़े इम्प्रूवमेंट्स कर दिए गए हैं। जैसे नी प्लस शिन एंड हिप दोनों में आपको लेवल 2 के नॉक्स के प्रोटेक्टर्स मिल जाएंगे। अब काफ़ी लोग के क्वेश्चन रहते हैं कि नॉक्स के प्रोटेक्टर्स तो उसमें भी थे, तो उससे इस पर क्यों जाएँ, क्यों मैं 300-400 रुपये एक्स्ट्रा पे करूँ। तो इस पर क्या है कि वो पैंट आपको थोड़ा मेश मटेरियल उसमें ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है, इस पर थोड़ा आपको कॉर्ड्यूरा मटेरियल ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है। तो इस पर आपको एक एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इनका फुल्ली कवर्ड पैंट है। एंड अगर आप थोड़े विंटर सीजन में राइड कर रहे हैं तो वो जो एक लोगों को दिक्कत रहती है कि हवा नहीं पास हो, ठंड लगेगी, तो उसके लिए क्या है कि ये कवर्ड है। एंड अगर आप गर्मी में राइड कर रहे हैं तो ये पूरा पैच ऊपर आ जाता है, एंड ये आपको फिर पूरा मैश मटेरियल आगे है जो कि हवा पास होने देता है। तो एक ये इम्प्रूवमेंट है इसमें। इसमें क्या है कि आपको जैसा आप राइड पे सीज़न पे राइड कर रहे हैं आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक इसकी खासियत हो गई। प्रोटेक्शन इसमें और उसमें दोनों में सेम है, दोनों में नॉक्स के लेवल 2 आर्मर्स ही लगे हुए हैं, वारंटी भी नॉक्स के आर्मर्स में सेम ही रहेगी। इस पर भी आपको सेम लंबा ज़िपर एंड छोटा ज़िपर दोनों दिया हुआ है फॉर कनेक्शन। एंड यहाँ पर एडजस्टेबल स्ट्रैप्स आपको दिए हुए हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में भी कि इसके आर्मर्स जो रहते हैं वो एडजस्टेबल रहते हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इस पैंट में इसकी मैंने लाइनर रिमूव कर दी है, थर्मल लाइनर, तो इस पर आपको मैं अंदर अच्छे से दिखा देता हूँ कि इसमें मैं बोलना क्या चाह रहा था। अब जो मैं नी के लिए बोल रहा था, इसमें नी स्लैप टेक्नोलॉजी है। नी स्लैप टेक्नोलॉजी हो गई कि इसके जो नी एंड शिन के जो प्रोटेक्शन रहते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं काफ़ी लंबा प्रोटेक्टर है, तो ये आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आपको आ कहाँ रहा है। जैसे ये वेलक्रोज इस पर लगे हुए हैं, ये पूरा पीछे पैच भी वेलक्रो लगा हुआ है, तो अगर आपको नी की प्लेसमेंट के हिसाब से इसे सेट करना है तो आप इसे आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। सपोजिटली अगर मेरा नी का प्रोटेक्शन यहाँ पे आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ज़िपर को खोल के ऊपर नीचे एडजस्ट करके वापस ज़िपर को बंद कर सकता हूँ। ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक वेलक्रो मटेरियल है, तो चाहे आपका यहाँ और यहाँ पे आए, चाहे ऊपर आए, आप अपने हाइट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि राइनॉक्स एक्सक्लूसिव है। ये आपको काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो राइनॉक्स ने अपने राइडिंग पैंट्स में रखी हुई है। B8 इनका जो बेसिक मॉडल हो जाए या आपको प्रीमियम मॉडल्स हो जाएं, ऑलमोस्ट सब में ये आपको आ रहा है। एंड इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही होती है कि आप जो नीड के लिए ले रहे हैं राइडिंग पैंट्स, वो नीड आपकी फुलफ़िल हो रही है, प्रोटेक्शन आपको पूरा मिल रहा है। नहीं तो क्या हो जाता है, कितनी बार वेस्ट साइज़ के हिसाब से आपको पैंट बड़ा लेना पड़ जाता है, एंड लेंथ के हिसाब से पैंट आपको फिर लंबा हो जाता है, आपकी हाइट अगर शॉर्ट है तो। उस केस में क्या होता है कि आर्मर्स की पोजीशनिंग शिफ्ट हो जाती है। तो ये अगर आप राइनॉक्स की राइडिंग पैंट्स ले रहे हैं तो उस पर ये जो टेक्नोलॉजी है उससे आपको शिफ्ट नहीं होगी, आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब यह आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसे वापस प्लेस कर सकते हैं जहाँ आपको करना है, एंड वापस ये ज़िपर को क्लोज़ करके पैंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इनका काफ़ी एक अच्छा हो गया प्रोडक्ट जो मैं बोल रहा हूँ। एंड एक और चीज़ जो इसके नीचे वाले मॉडल में थी जो मैंने मिस आउट कर दिया, ये आपको, आप जो पॉकेट टाइप का देख रहे हैं जो पीछे लटक रहा है, ये क्या हो गया कि आपको टेलबोन के लिए अलग से आमर आते हैं जो आप राइडिंग पैंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सैफटेक के टेलबोन प्रोटेक्टर्स आते हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस पर, तो ये आपको इस मॉडल में भी आते हैं, इसके नीचे वाले मॉडल में भी आते हैं। दोनों में आप सेपरेटली परचेस करना होता है, आप इसे परचेस करके इस पर लगा सकते हैं। तो कितने लोग को रहता है कि बैक प्रोटेक्टर तो जैसे यहाँ तक ही आता है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको अनकवर्ड है जो मेन टेल आपका बोन का एरिया हो गया, तो उस पर ये प्रोटेक्टर आपको काम करेगा। जब आपका जैकेट पैंट के साथ जिप अप हो जाएगी तो वो एक अलाइंड पोस्चर में आ जाएगा एंड आप टेलबोन के हिसाब से उसे सेपरेटली ख़रीद के लगा सकते हैं। तो ये इनका काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट हो गया। जो डिफरेंस थी वो मैंने बता दी कि ये आपको जो एडजस्टेबल स्ट्रैप है दिया हुआ है फॉर वेंटिलेशन, उस केस में ये काफ़ी आपको अच्छा हो जाता है। जब आप समर्स एंड विंटर्स पे राइड करना, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट जो राइडिंग पैंट्स है राइनॉक्स की तरफ से, वो इनकी जो टॉप ऑफ द लाइन पैंट आती है, इनकी जो एडवेंचर जैकेट आती है उसके साथ की ही ये सीरीज़ है, स्टेल्थ ईवो सीरीज़। अब इस पर क्या है कि अब प्रोटेक्शन वाइज अगर आप देखेंगे तो इस पर भी सेम नॉक्स के ही लेवल 2 आर्मर्स रखे हुए हैं। अब लोगों की क्वेरी आती है या कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जब नॉक्स के आर्मर्स मेरे को नीचे वाले मॉडल में भी मिल रहे हैं तो मैं ऊपर में क्यों जाऊं। देखिए क्या है कि आर्मर्स नॉक्स से ऊपर तो कुछ आते ही नहीं है ऐसे, अगर आप इस रेंज पे देखेंगे तो इसलिए कंपनी और उस पर क्या इन्वेस्ट करेगी, ऑलरेडी आपको वो टॉप ऑफ द लाइन आपको प्रोटेक्शन की आर्मर्स दे ही रही है। तो इसलिए आमर को इन्होंने चेंज नहीं किया है। जो आपको चेंज आती है वो आपको कंस्ट्रक्शन में चेंज आती है, मटेरियल पे चेंज आती है एंड फिटिंग एंड साइजिंग में चेंज आती है। जैसे मैंने उस पे दिखाया था आपको, जो आपको स्टॉर्म सीरीज़ थी उस पे मैश ज़्यादा था, एडवेंटो में मैश थोड़ा कम था, उस पे ये पैनल था। तो वैसे ही सेम पैनल इसमें कंटिन्यूड है। आपको एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा पैनल मिल जाता है। एंड अगर इसी में अगर मैं और बोलूँ, ये भी आपको कॉर्ड्यूरा मटेरियल का ही इसमें ज़्यादा यूज़ है, इन्वेस्टो कॉर्ड्यूरा मटेरियल इसमें यूज्ड है। एंड कंफर्ट वाइज ये टूरिंग सीरीज़ में आ जाती है, तो टूरिंग पैंट्स जो रहते हैं थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, थोड़े खुले रहते हैं, पॉकेट्स उसमें थोड़े बड़े रहते हैं आप नॉर्मल उससे देखेंगे तो। एंड एक और एडवांटेज जो आपको इसमें मिल रहा है, इसका जो मटीरियल है वो एक कोटेड मटीरियल है जो कि आपको नॉर्मल हल्का स्लाइट रेन जो रहता है वो विथस्टैंड कर जाता है। तो काइंड ऑफ ये सेमी वाटरप्रूफ पैंट्स हो जाता है, जो हल्की फुल्की बारिश अगर आप नॉर्मली चल रहे हैं एंड थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है तो वो इसे बर्दाश्त कर लेती है। तो इस पे वो मटेरियल का कोटिंग की गई है, तो वो एक एडेड एडवांटेज आपको इसमें मिल रही है। बाकी अगर प्रोटेक्शन वाइज देखेंगे तो सेम लेवल 2 आर्मर्स के नॉक्स के प्रोटेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। इस पर भी आपको टेल बोन के लिए अलग से वो पॉकेट मिल जाता है अटैच करने के लिए। एंड इस पे भी आपको वो नी स्लैप मैकेनिज़्म है जो कि आपको राइनॉक्स के दूसरे पैंट में भी है। एंड अगर आप वैल्यू फॉर मनी में जाएंगे तो आप बीच वाले सेगमेंट पे भी जा सकते हैं। इस पे बस आपको क्या है कि आपके टूरिंग अगर पर्पस है एंड टूरिंग के हिसाब से आप जा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा पैंट हो जाता है। इस पे भी आपको वही है, आपको थर्मल लाइनर इंक्लूडेड है, रेन लाइनर आपको अलग से परचेस करनी पड़ेगी जो कि अराउंड 1200 की आती है। बाकी वारंटी वाइज सेम है, नॉक्स के आर्मर्स में भी 5 इयर्स की वारंटी है एंड राइनॉक्स के प्रोडक्ट्स पे 6 मंथ्स की आपको वारंटी मिल जाएगी। ऑल इन ऑल पैंट आपको बहुत बढ़िया है एंड ज़रूर रिकमेंडेड है। राइनॉक्स के कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं, सारे ही काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये इनका टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट हो गया। इस पर भी अगर आप देखेंगे एडजस्टेबल स्ट्रैप्स वैसे ही हैं एंड यहाँ पर भी आपको पीछे में लूप्स दिए हुए हैं एडजस्ट करने के लिए। जस्ट दैट कि मटेरियल जो है वो थोड़ा और प्रीमियम हो गया है, थोड़ा वाटरप्रूफिंग का उसमें ऐड हो गया है, उसकी वजह से थोड़ी प्राइसिंग और 600 रुपीज़ अराउंड इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस पर अगर मैं बोलूँ साइजिंग की, तो राइनॉक्स के जनरली जितने भी राइडिंग पैंट्स आते हैं सब स्मॉल से मैक्सिमम 5XL तक आते हैं, बट जनरली क्या है कि थोड़े अपर साइजिंग में 3XL, 4XL, 5XL में थोड़े कम एंड लिमिटेड स्टॉक रहते हैं। नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो स्मॉल से 2XL तक ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल रहती है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, मैंने पहले भी आपको डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है सब। आप यू कैन कॉल अस एंड कांटेक्ट अस एनी टाइम एंड वर्किंग आवर्स में ही कांटेक्ट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, रिप्लाई करने में भी ज़्यादा आराम रहता है। एंड कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए हो आप फ्रीली कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कहीं भी कांटेक्ट करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही लाते रहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट एक अलग सेगमेंट कवर करूँगा, राइडिंग पैंट का ही सेगमेंट रहेगा, ब्रांड अलग रहेगा। फिर उसके बाद कंपैरिजन वीडियोस भी आएंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू।